Here we go. तो अभी हम लोग हैं पैनासोनिक के काउंटर पर। बहुत मजा आ रहा है। सारे कैमरा, इतने सारे फ्रेम, दस वाला वाइब है यार। DJI में इस बार क्या कुछ अवेलेबल है? टॉप हैंडल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया। यहाँ पे बहुत वैरायटी के लेंसेज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग हैं पटना के ज्ञान भवन में, जो कि गांधी मैदान के पास है। और ज्ञान भवन में आज 22 अक्टूबर को हम लोग पहुंचे हैं बिहार फोटो वीडियो एक्सपो में। और भाई साहब, ये जो है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग फोटो और वीडियो पर काम करते हैं, जैसे हम लोग जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर जो है ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये रहा पीछे हमारे ज्ञान भवन, और अभी हम लोग चलेंगे अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है। वैसे मैं अगर आपको डेट बता दूं तो आज है 22, और ये 21, 22 और 23, यानी कि कल तक ये फोटो एक्सपो रहेगा। उससे पहले अगर आपको आना है, यहाँ पर देखना है, चीज़ें देखनी है, तो आप आ करके देख सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं, और इसकी जो टाइमिंग है ना, वो शाम के 7 बजे तक ही है। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं। अंदर क्या देखिए, एकदम कैसा लग रहा है एकदम मजेदार है। इस बार का डिफरेंट है या पहले वाला डिफरेंट रहा? कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ देखने को मिला पहले से, बहुत अच्छा लगा। सभी फोटो लवर्स, वीडियो लवर्स, सभी लोग मौजूद है यहाँ पर। चलो यार, नाइस टू मीटिंग यू। फोटो एक्सपो के अंदर आते हैं, पहले यहाँ पर सोनी के आल्फा कैमरे के अंदर जाना, और यहाँ से निकलते हैं। क्या बात, हम लोग फोटो एक्सपो में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए अंदर, और यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं। जैसे ही आप ज्ञान भवन में आते हैं, चाहे कोई सा भी एक्सपो लगा हो, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ पर बना है, और यहाँ पर रजिस्टर करा के हम लोग यहाँ से अंदर घुसेंगे। इस नंबर पर मिस कॉल करना है, और यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट। बिहार के गांव से हैं, जैसे इंटायर जगह से, उनके लिए रूरल एरिया से जो कुछ भी है, वो लोग यहाँ पर आकर के बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिले जो बाहर में नहीं मिलती। निकॉन को बेसिकली फोटोज के लिए, स्टिल्स, इमेजेस के लिए जाना जाता है, लेकिन वीडियो में क्या रेवोल्यूशन आ रहा है निकॉन में, वो अभी देख लेते हैं हम लोग। तो ये बताया जा रहा है कि ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली कैमरा है। और अभी यहाँ पर रैम प्रो शुरू होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिला है कैमरे का परफॉर्मेंस। और बेसिकली क्या है, स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बस थोड़ा सा और इंतजार हो जाए तो आपके सामने। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि आप इंद्रसेन भाई के साथ कभी वीडियो बनाइए, कभी मौका ही नहीं मिला यार। सीरियसली आज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई से मिल करके, भाई अचानक से टकरा गए और ऐसे मुलाकात हो गई, क्या हाल है। तो अभी आप लोगों ने रैंप वॉक देखा, और इसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं दूसरे सेक्शन में, देखते हैं वहाँ पर क्या है। वैसे कैमरे के बहुत बड़ा रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हम लोग हैं पैनासोनिक के काउंटर पर, और देखते हैं कि इस बार क्या क्या कुछ नया लॉन्च हुआ है। तो अभी ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास एक बहुत बजट फ्रेंडली कैमरा है, वो G85 मेरे को तो मॉडल नेम G85। यस, और ये कैमरा 4K शूट कर सकता है। ओके, और इसमें 1442 लेंस आता है, 14 मतलब काफ़ी वाइड लेंस, जो ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉगर्स के लिए G85 ये मॉडल नंबर है, और आप इसे याद रखो। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट पे। ये आपने कैसा लग रहा है इस बार का फोटो एक्सपो? बहुत मस्त लग रहा है, आपको देख कर तो और जाना। पैनासोनिक के साथ बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू। बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इतने सारे कैमरा, इतने सारे फ्रेम्स, और उस बीच में मैम बैठी है,
बड़ा अंदर से ऑकवर्ड लगता होगा, बट मैम बोली कि नहीं मजा आता है। सो ब्लॉगर्स के बीच में और कंटेंट क्रिएटर के बीच में DJI इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट फेमस ब्रांड। तो यहाँ पर DJI का स्टॉल लगा है और देखते हैं कि DJI में इस बार क्या कुछ अवेलेबल है जो कि आपको पटना में मिल सकता है। फाइनली अभी DJI को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंकुर भाई और बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर शोकेस करने आए हैं। पहले हमारा गिम्बल आता था रॉनी नेस्सी, बिल्कुल, तो अब उसका नया वर्जन आ गया रॉनी नेस्सी 2। ओके, एंड रॉनी नेस की जगह पे अब नया वर्जन आ गया रॉनी नेस 2 एंड ऑस्मो मोबाइल 4 SE और ऑस्मो मोबाइल 5 जो है वो मोबाइल गिम्बल है, जो कि आप देख रहे होंगे कि वॉल पे डिस्प्लेड है, पीछे भी आपके डिस्प्लेड है। बहुत मस्त है, बिहार में ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम है, इतनी अच्छी है क्या एक्सपो में लोग को रिपीट आना चाहिए। सोनी के एक स्टॉल पे है जहाँ पर पूरा कैमरा डिस्प्ले किया गया है और सोनी इज द मोस्ट फेमस ब्रांड बिटवीन ब्लॉगर्स। तो अभी क्या है ना कि देखते हैं कि इनके पास क्या कुछ नया टेक्नोलॉजीज है। ओके, okay, अभी रिसेंटली लॉन्च सिनेमा कैमरा है लाइक FX6 और FX3 जो कि आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। अच्छा, तो सोनी बेसिकली अभी जो है सिनेमा पे बहुत फोकस कर, ये वाला वो कैमरा है जिसके बारे में पूरी भैया बता रहे थे, इसकी खासियत गिनाई जा रही थी हमें, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये रहा रिजल्ट, आई थिंक दिस इज FHD। हां, ये भी FHD पे है। ओके, तो ये जो टॉप हैंडल है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है। ओके, ये आपको एक्स्ट्रा ग्रिप देता है कंटेंट शूट करने के लिए। समटाइम्स मुझे कुछ ऐसे शॉट्स चाहिए होते हैं जो मुझे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाना। हां राइट, तो इस बिल्कुल से आप ऑब्वियसली शॉट्स ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बी रोल्स के लिए बहुत ही अच्छा। रॉबिन भाई, हम लोग फूडी रॉबिन, कहीं ना कहीं मिल ही जाते, टकरा जाते इत्तेफाक से, और यहाँ पर फिर से हम लोग टकरा गए क्योंकि दोनों ही एक ही फील्ड से रिलेट करते हैं, अलग सी बात है कैटेगरी। कैमरा देखा था एक्चुअली, फोन से शूट करते करते बहुत दिन हो गए, बिल्कुल, तो सोच रहा हूँ कि एक सोनी का कैमरा आप धमाल कर दे रहे हैं, अल्फा सीरीज से कोई बड़ा वाला कैमरा उठा करके भाई को ले रहा है भाई। इस साइड में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह के फोटो फ्रेम्स वगैरह मिल जाते हैं, और मेन चीज जो एक कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए चाहिए होती है वो होता है लेंसेज। यहाँ पे बहुत वैरायटी के लेंसेज हैं टैमरॉन के, अभी हम लोग देखेंगे और इसके स्पेसिफिकेशन को भी जानेंगे। वैसे बहुत सारे लेंसेज हैं, आप देख सकते हो, मतलब भीड़ लगी है लेंसेज की। टोलेट में परफॉर्मेंस के लिए भी आपको चाहिए तो आपको 18-200 भी ले सकते हो, 18-400 भी ले सकते हो, या और भी बहुत सारे लेंस हैं 85mm भी ले सकते हो। भाई साहब से बात करके बहुत मज़ा आया। आपसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया कि आपकी ज़रा नवाजी है कि भाई को इस तरह से नवाज रहे हैं। रवि भाई से मिला क्योंकि इन्होंने मुझे लेंसेज के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जो कि मुझे शायद नहीं पता थी, और मेरे क्रॉप सेंसर के लिए कौन सा लेंस कंपैटिबल होगा वो भी बताया। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉल पर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया। और हम जैसे कुछ छोटे मोटे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यार, यहाँ पर आओगे तो कुछ सीखने को मिलता है आपको। यहाँ पर जितेंद्र भाई हमारे साथ जयपुर से, और फर्स्ट ऑफ ऑल की बिहार आगे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिहार के लोग कहते हैं पटना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। अब ये बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी सी चीज़ है। हेलो, हाय मैम, मदन वर्षी, सब साइमा अहमद फोटो जर्नलिस्ट। ये लंबा सा यहाँ पर लगा है, ये क्या है ये जो आपने लगा रखा है? ये सर जिप क्रेन है, इसके अंदर 3 एक्सिस फोटो लंबी है, लॉकडाउन की है, ट्रेनिंग की है, लंच की है, उसके बाद इसके अंदर मोड़ लग रहा है, पैनासोनिक का आप यूज़ कर सकते हैं, कैमरा सोनी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें 4 इनपुट है, 8 आउटपुट है। तो बेसिकली मतलब ये फिल्म फिक्शन और इसके लिए होगा, वेडिंग पर्पज से, वेडिंग पर्पज से। घूमता भी है ये तो चीज से ये वीडियो बनने लगा, एक्चुअल में ये 360 डिग्री माउंट है जिससे आप वीडियो अपना शूट कर सकते हो, और देखो अब ये चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, जबरदस्त वाला वाइब है यार, ये चीज आपको नहीं मिलने वाली। क्यों भी मुड़ जाओगे यहाँ पर, भी खड़ा हूँ लेकिन ये चारों तरफ घूम रहा है भाई, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिली मुझे, और वाइड एंगल में आप देख ही रहे हो कितना अच्छा लग रहा होगा। तो रोक दीजिए आप,
तो भाई बात होगी कैमरों की, कैमरे एक्सेसरीज की। अब जो फोटोग्राफी और शूट के टाइम में जो चीज़ें जरूरत पड़ती है ना, हम लोग स्टॉल बोलते भैया हाय कर दीजिए। हेलो, क्या क्या है आपके पास? सर हमारे पास प्रॉप्स होते हैं जो फोटो शूट होती है, हमारे प्रोडक्ट के बिना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट हार्ट शेप अम्ब्रेला। अच्छा, जैसे कि अगर कोई लव वाला पोज जा रहा है तो उस पर ये हार्ट शेप अम्ब्रेला बहुत ज्यादा है, ये बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे कैनन प्रिंटर जो नया लॉन्च हुआ है 6 कलर, उसको फोटो प्रिंटर बोलते हैं, उसका डेमो दे रहे हैं। ये वाला? अच्छा, बिकॉज यहाँ पे एक लाइव डेमो निकल रहा है। आपका ब्लॉग मैं देखता हूँ और मेरी बेटी भी देखती है। सृष्टि वे विजय सिंह। सृष्टि हाय फ्रॉम मटर कश्ती, और सर मिले, बहुत अच्छा लगा सर, नाइस टू मीट यू। चेक कर रहा है यार, इतना ही बड़ा कुछ नहीं है, भाई का प्यार है कि जो इस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई को, और भाई को भी सपोर्ट करो यार, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। यहाँ पर जो है ना मटरगश्तिंस की भरमार, भाई एक और हमारे मटरगश्तिन, हाय गलन। हाय, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं YouTube पे बहुत एक्टिव हूँ और मैंने भैया के वीडियोस देखे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, नया नया शुरू किया, लेकिन आप बेस्ट हो भाई की जर्र नवाजी की, इतने नवाज बख्श रहे हैं मुझे, सीरियसली ऐसा कुछ है नहीं यार, छोटा मोटा कॉन्टेंट क्रिएटर। जब अभी थोड़ा सा फुर्सत का पल मिला और यहाँ से निकलते हैं हम लोग घर, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और शाम होते ही होते पटना और खूबसूरत दिखने लगता है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया रॉबिन भाई, आपने कैमरा पकड़ा है। रॉबिन भाई हमेशा पूरे सफर में मेरे साथ रहे, बहुत ही अच्छा लगा यार, इत्तेफाक से भाई मुलाकात हो गई थी हमारी। तो अभी मिलते हैं आप सीधे घर पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।